अश्विन यानी कि क्वार महीने की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी का व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माताओं के द्वारा ऐरावत हाथी के मिट्टी स्वरूप हाथी पर महालक्ष्मी को विराजमान कर पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के करने से सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। वहीं इसके अलावा यह है जीवित पुत्रों के लिए भी किया जाता है। पंडित अनिल कुमार पांडे बताते हैं कि इसके दो तरह से महत्व हैं। एक तो हाथी के रूप में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जीवित पुत्रों के लिए यह व्रत माताओं स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस दिन इसका विशेष महत्व होता है और पूरे देश में इस व्रत के लिए किया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं पंडित अनिल कुमार पांडे जी। पूरे देश में पूरे हिंदुओं में मनाया जाता है। इस समय दो विशेष कृत्य होते हैं, एक इसको महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं, दूसरा इसको जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। दोनों ही दिन जीवित पुत्र का व्रत में औरतें स्त्रियां माता हमारे अपने पुत्रों के यशस्वी रहने के लिए उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखती हैं। महालक्ष्मी व्रत के साथ ये हमारा ध्येय रहता है कि हमारे घर में हमारे परिवार में धन धान्य की वर्षा हो। महालक्ष्मी व्रत जो है वो इस वर्ष 22 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और अंतिम दिन इसमें माँ लक्ष्मी की हाथी पर बैठे हुए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। हाथी को श्री या ये कहें कि भगवान इंद्र का वाहन माना गया है और एक ये माना जाता है कि ये श्री संपदा का एक विशेष संकेत है। तो इस पर हम लक्ष्मी जी को बैठा करके पूजा करते हैं। और जीवित पुत्र का व्रत जो है उसके लिए कहानी जो है सबसे पॉपुलर कहानी है वो ये है कि महाभारत में अश्वत्थामा ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अश्वत्थामा ने अकेले ही सभी पांडवों का वध करने का सोचा और उन्होंने जा करके सभी शिविर में जा करके और पांडवों के सभी लड़कों को पांडव समझ करके पाँचों लड़कों का वध कर दिया। बाद में अर्जुन ने उसे अश्वत्थामा को पकड़ा तो अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी। उस मणि को निकाल करके अर्जुन ने उसको श्रीविहीन कर दिया अश्वत्थामा को, परंतु अश्वत्थामा इसके बाद भी नहीं माना। तब उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी के कोख में जो बीज पल रहा था, जो पुत्र आने वाला था, उसकी उन्होंने हत्या करने की सोची और हत्या किया। जब ये बात पांडवों को मालूम चली तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया और भगवान श्री कृष्ण गर्भ के अंदर स्वयं गए और उन्होंने बचाया। ये बालक बाद में चलकर परीक्षित नाम से फेमस हुआ। तो चूंकि इसमें एक वंश की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की है, अतः वंश की रक्षा के लिए स्त्रियां इस व्रत को भी करती हैं।